subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के नोटिस के जवाब में 6 पन्नों का हलफनामा दायर किया है, जिसमें उन्होंने माफ़ी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। इस हलफनामे में कामरा ने दलीलें दी हैं कि चुटकुले वास्तविकता नहीं होते हैं और ना ही ऐसा होने का वो दावा करते हैं। दरअसल बीते साल 12 नवंबर को अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कानून की पढ़ाई करने वाले कई छात्रों और वकीलों की शिकायतों के आधार पर कुणाल कामरा के खिलाफ अदालत की अवमानना का केस दायर करने की परमिशन दी थी। लेकिन इससे ठीक पहले हुआ क्या था? आपको ज्ञात होगा कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को अबिटमेंट टू सुसाइड के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। इस मामले पर कुणाल कामरा ने एक के बाद एक कई सारे ट्वीट किए थे। वेणुगोपाल से परमिशन मिलने के बाद 18 दिसंबर को 3 जजों की बेंच ने कामरा को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस भेजा था। इस बेंच को जस्टिस अशोक भूषण हेड कर रहे हैं। आज दिन भर सोशल मीडिया पर कामरा के इस हलफनामे की ही चर्चा रही। आज के इस वीडियो में जानते हैं कि 6 पन्नों में कामरा ने क्या क्या दलीलें दी हैं। कामरा ने लिखा है कि ये सोचना कि एक लोकतंत्र में कोई भी इंस्टीट्यूशन आलोचना के परे है तो ये ऐसी बात होगी जैसे इल प्लान्ड तरीके से लागू किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों से ये कहना कि वो खुद ही चले जाएं। ये बहुत इरेशनल और अनडेमोक्रेटिक है। कामरा ने ये भी कहा है कि ये धारणा बनाना कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में उनके ट्वीट्स और चुटकुले दुनिया के सबसे पावरफुल कोर्ट के फाउंडेशन को हिला सकते हैं तो ये उनकी एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट करने जैसा होगा। आगे बढ़ते हुए वो लिखते हैं कि जुडिशरी में जनता का विश्वास इस इंस्टीट्यूशन के खुद के एक्शंस के आधार पर बनता है, ना कि आलोचना या किसी तरह की कमेंट्री से। वो ये भी लिखते हैं कि चुटकुले एक कॉमेडियन के खुद के परसेप्शन के आधार पर बनाए गए होते हैं और चुटकुलों का उद्देश्य लोगों को हंसाना है। कई लोगों को ये चुटकुले मज़ेदार नहीं लगते हैं तो वो लोग हंसते भी नहीं हैं, वैसे ही जैसे नेता अपने आलोचकों को इग्नोर करते हैं। अपने हलफनामे में कामरा ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के केस को हाईलाइट करते हुए कहा है कि देश में इंटॉलरेंस का कल्चर बढ़ रहा है। कामरा का कहना है कि ऑफेंस लेने को एक फंडामेंटल राइट की तरह देखा जाने लगा है और धीरे धीरे इसे सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले एक इंडोर खेल का दर्जा सा मिलता जा रहा है। वो आगे ये भी लिखते हैं कि कोर्ट को अगर लगता है कि मैंने कोई लाइन क्रॉस की है और मेरे इंटरनेट कनेक्शन को तुरंत प्रभाव से बंद कर देना चाहिए तो मैं भी हर 15 अगस्त को अपने कश्मीरी दोस्तों की तरह हैप्पी इंडिपेंडेंस डे के पोस्ट कार्ड लिखा करूंगा। वो आगे लिखते हैं कि मैं इस केस में सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच को विलिफाई नहीं करूंगा क्योंकि ये वास्तव में अदालत की अवमानना होगी। कामरा ये भी जोड़ते हैं कि देश में सबसे शक्तिशाली लोग होने के नाते संवैधानिक अदालतों के न्यायाधीशों के पास नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़े असाधारण अधिकार प्राप्त हैं। उनके कार्यालय उन्हें राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने के लिए संरक्षित हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खुद पर किए गए व्यंग्य या कॉमेडी की वजह से वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाएंगे। अपने काम के बारे में कामरा का कहना है कि वो अपनी कॉमेडी के जरिए जो पीड़ित हैं उनको कंफर्ट पहुंचाते हैं और जो कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं उनको डिस्कम्फर्ट पहुंचाते हैं और इसी सिद्धांत का वो अपनी कॉमेडी में पालन करते हैं। इसी संदर्भ में वो आगे लिखते हैं कि ह्यूमर जो होता है यानी हास्य एक गंभीर स्थिति को हल्का फुल्का बना देता है और इस तरह से पीड़ित लोग कंफर्ट महसूस करते हैं। इस स्थिति में उन लोगों के परिवार भी शामिल हैं जो अपनी मेहनत से कमाई राशि को अपने ही बैंक खातों से नहीं निकाल पाते हैं। कामरा ने अपनी स्टाइल और भाषा को लेकर भी ये दलील पेश की है कि उनका उद्देश्य अपमान करना नहीं बल्कि लोकतंत्र के जरूरी मुद्दों की तरफ ध्यान खींचना और उस पर बातचीत को बढ़ावा देना है। आखिर में वो ये भी कहते हैं कि इन याचिकाओं को दायर करने वालों से मैं कॉमेडी को लेकर सलाह लेने के लिए खुशी खुशी तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले याचिकाकर्ताओं के पास भी तो सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे सोशल मीडिया पर शेयर करें। दी प्रिंट को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। मैं ज्योति यादव, दी प्रिंट।